हाय फ्रेंड्स, आज मैंने मेकअप किया है सिंपल। किस तरह से मेकअप किया है वो आप सीखिए। त्योहारों में आप तैयार होना है या सिंपल तैयार होना है, जाने आने के टाइम तैयार होना है, तो किस तरह से मेकअप किया जा सकता है, इजी और सिंपल मेकअप किस तरह से किया है वो आप वीडियो देखिए और सीखिए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और लाइक कर देना। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैंने प्राइमर 24 कैरेट प्राइमर ले लिया है, लिक्विड प्राइमर है। इसमें कोई वाइटनेस नहीं है, सिर्फ प्राइमर ही है। आप देखिए कि एकदम ही स्किन कलर है, कि मैंने अच्छे से स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यह प्राइमर का यूज़ किया है। और अब मैंने ब्लैक हेड्स है तो मैंने अच्छे से ऑरेंज कलर से डार्क सर्कल एरिया है जहाँ मेरा ब्लैक हिस्सा है वहाँ पे मैंने उंगली से ही कर रही हूँ। मेरे पास ब्रश भी है, पर ये सिंपल मेकअप दिखाने के लिए और आपको सिखाने के लिए उंगली से हम किस तरह से कर सकते हैं वो आप देखिए। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में भिगो के निचोड़ लिया है और अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने एलोवेरा पैनकेक लिया है, स्किन कलर ही मैंने लिया है। एक टोन ऊपर भी नहीं और एक टोन नीचे भी नहीं, एकदम स्किन में मैच हो इस तरह से मैंने पैनकेक को ले लिया है। पानी में इससे स्पंज को भिगोते हुए ही मैं लगा रही हूँ, कोई जगह रहने नहीं चाहिए। और अच्छे से मैंने थोड़ा थोड़ा सा, ये पैनकेक ऐसा है कि आप ज़्यादा ज़्यादा लगाओगे तो एकदम से ही वाइट कलर पकड़ लेगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगा लिया है। आप देखिए कि मैंने इक्वल स्किन, कोई भी दाग धब्बे बिना इक्वल ही स्किन हो गई है। अब मैंने फाउंडेशन लिया है, ये मेरा फाउंडेशन स्किन से दो टोन ऊपर है। मैंने हाईलाइट पॉइंट पे, डार्क सर्कल एरिया पे मुझे हाईलाइट करनी है तो मैंने स्किन से दो टोन ऊपर ही ले रही हूँ। ये हाईलाइट पॉइंट पे ही लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पे डैप करते हुए लगा रही हूँ। इस तरह से आपको यह एरिया हाईलाइट करना है तो आप फाउंडेशन से दो टोन ऊपर लगा सकते हैं। और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप डैप करते हुए मैंने लगा लिया है। अब देख सकते हैं कि राउंड राउंड करते ही दूसरा मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने हाईलाइट पॉइंट पे ही डैप डैप करते हुए लगा रही हूँ। देखिए कि किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ डैप डैप करते राउंड सर्कल में, वो देखिए और सीखिए। गले का हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से उसको भी लगा देना चाहिए। आपके पास अब बारी है कॉम्पैक की, आपके पास जो भी कॉम्पैक हो ये वो आप लगा सकते हो। मैंने कलर एसेंस का लगाया है, और आपके पास लेकमे का हो या कोई भी कंपनी का हो, आपके स्किन में मैच खाता हो वो आप लगा सकते हैं। मैंने राउंड राउंड करते हुए ब्रश से लगा रही हूँ, उसमें स्पंज भी आता है। आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो वो स्पंज से भी आप लगा सकते हो। और गले का हिस्से कभी भी भूलना नहीं चाहिए, जो भी स्किन पे कलर दे रहे हो ऐसा नहीं है कि गले का हिस्सा आप छोड़ दो। गले का हिस्सा छोड़ दोगे तो आर्टिफिशियल लुक आ जाएगा, एकदम से मैच नहीं होगा। तो मैंने गले को भी लेते हुए और राउंड सर्कल में पूरे ही चेहरे पे लगा रही हूँ। अब मैंने लिपस्टिक का पैलेट ले लिया है, मुझे जाने आने के टाइम पे लगाना है, इसलिए मैंने अभी त्यौहार चल रहे हैं तो त्यौहारों में मेकअप कर रही हूँ, इसलिए मैंने लाइट ही लिपस्टिक लगा रही हूँ। आपको जो भी कलर अच्छा लगे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। अब मैंने काजल लगा लिया है, पेंसिल काजल है, और आपके पास जो भी काजल हो जो फैलती ना हो इस तरह से आप काजल लगा सकते हो। अब मैंने मस्करा से अच्छे से आईब्रो को शेप दे रही हूँ। पाउडर लग जाता है, फाउंडेशन लग जाता है तो आईब्रो का शेप अच्छे से नहीं आता है, इसलिए मैंने मस्करा से ही कर रही हूँ। अब मैं आईलेसिस पर अच्छे से आँखों पे
किस तरह से लगा रही हूँ आ देखिए। और मैंने ये मेरा लुक देखिए फाइनल, सिंपल और सोबर। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लुक है और कैसा मेकअप किया है, और लाइक ज़रूर से कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।